हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह बहुत खुशनुमा है, खुला खुला मौसम है, आसमान साफ है, तो कल के काम कुछ आज आगे बढ़ाए जाएंगे। पहले मैं किचन से शुरुआत करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए ये थोड़ा सा गिलोय का पानी तैयार कर रही हूँ, जिसे मैं आजकल अपने ऊपर थोड़ा जड़ी बूटियों का इलाज शुरू करके देख रही हूँ। साथ ही चाय भी बना रही हूँ कबीर के लिए, और उसके बाद मैं ला रही हूँ कल वाले कपड़े, जो कि मुझे ये स्टैंड पर बाहर फैलाने हैं ताकि खुले मौसम का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके। यहाँ पर देखिए थोड़े बहुत बादल हैं, ज़्यादा नहीं है, शायद 1.5-2 घंटे में बादल इसी तरह बना रहे तो मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे, जो कल सूख नहीं पाए। और नाश्ते में मैं तैयार करूँगी काला चना, जो हमेशा आप देखते हैं मैं 15-20 दिन में एक बार तैयार करती ही हूँ। तो इसमें बस पानी और नमक का इस्तेमाल करके 6-7 सीटी सिंपर लगानी है मुझे। तो चलिए कर देते हैं अपने कुकर की लिड को बंद और इसमें आने देते हैं 6-7 सीटी। और इधर जो है मेरे घर में चल रहा है कोई दूसरा काम, तो वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि पिता पुत्र क्या काम कर रहे हैं। मेरा काम तो वहाँ मैंने जितना करना था कर दिया है किचन में, वो बाद में करूँगी थोड़ी सी साफ़ सफाई के बाद। तो यहाँ देखिए इन लोगों ने एक सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल ली है और उसको कट कर दिया है 2 पार्ट में, जिसमें आधे पार्ट का तो इन्होंने गमला तैयार कर दिया है, बाकी आधे जो ऊपर का सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल बचा है उसमें किया है इन्होंने कोई प्लग का यूज़, तार लगाया है, अंदर एक बल्ब इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बल्ब को करेंगे ये सीढ़ी के नीचे इस्तेमाल, जहाँ पर मैंने दिखाया था पिछली दफ़े साफ़ सफाई हुई थी और कुछ गमले लगाए गए थे। तो बस ये लगाया जाएगा, एक तरह से लैंप का काम करेगा, क्योंकि शाम के वक्त वहाँ पर जब अंधेरा होता है तो गमले नज़र नहीं आते जिस पर्पज़ से रखे गए थे। तो बस ये अभी चेकिंग होगी और उसके बाद इसको वहाँ पर फिक्स किया जाएगा कुछ जुगाड़बाजी करके, शायद किसी डोरी से बांध दिया जाए। तो बस ये चेक हो चुका है, ओके हो चुका है। अब इसमें LED लगेगा या CFL, ये देखा जा रहा है। और चलिए चलते हैं, इसकी फिक्सिंग यहाँ हो रही है सीढ़ी के नीचे, एक डोरी से ही बांधा जा रहा है क्योंकि यहाँ जो लोहे का जाली है उसमें ही ये फंसाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो इसको जब लग जाएगा तो शाम को जलाया जाएगा तो ठीक लगेगा। और नीचे यहाँ पर ये इसके गमले रखे हैं जो मैंने पहले दिखाया था, यहाँ पर पेंट किया गया था, ये थोड़ा सा वाइट वॉश हुआ था, नीचे गमले लगा दिए गए थे, काफ़ी सामान पहले ही एक तरह से कबाड़ इकट्ठा करने के लिए उसके लिए कॉर्नर यूज़ होता था, तो इस तरीके से कर दिया है इसको। और अब मैं आ चुकी हूँ अंदर। इसके बाद तो मैं कर रही हूँ अपनी एक विंडो, जहाँ पर मैं अक्सर बैठती हूँ काम करती हूँ कुछ, तो वहाँ पर मैं इसकी सफ़ाई करूँगी। और वैसे इसकी मैं वीकली सफाई कर देती थी, पर इस बार 10 दिन या 12 दिन हो चुका है मैं नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पर मैं ये पुराने कपड़े को गीला करके लाई हूँ, मैं सूखे कपड़े को इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे होता ये है कि जो सूखी डस्ट होती है वो यहाँ वहाँ उड़कर फिर से दोबारा से बैठ जाती है, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ गीले कपड़े से निचोड़ के क्लीन पूरी तरीके से। इसमें डस्ट जो है उड़ नहीं पाती है, दूसरी जगह बैठ नहीं पाती है। और दूसरी चीज़ जो मुझे एलर्जी है डस्ट से या मौसम से, वो भी हमें जो छींकें आने लगती हैं कह सकते हैं, वो नहीं आ पाती हैं। इस वजह से मैं गीले कपड़े को पूरी तरीके से निचोड़ के इस्तेमाल करती हूँ। और इसमें एक छोटा डस्टबिन रखती हूँ, जिसमें मैं जैसे बिंदी के पत्ते हुए या छोटा मोटा मेरा सेफ्टी पिन टूटा हुआ सामान निकल आता है वो सब डालती हूँ। तो ये डस्टबिन भी मैं अभी पोंछ दूंगी, क्लीन करूंगी पूरी तरीके से, इसके ऊपर भी डस्ट आ चुकी है। ये देखिए पूरा इसका ढक्कन साइड में नीचे, तो सारा कुछ अच्छी तरीके से। और बारिश के सीज़न में और गर्मियों के सीज़न में तो साफ़ सफ़ाई कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर से काफ़ी डस्ट आती रहती है। तो इस तरीके से इसको क्लीन करके मैं रखूँगी इसी विंडो पर। और साथ में एक लक्ष्य ने एक बॉक्स भी क्रिएटिविटी में बनाया था, एक उससे कुछ शीशे और क्या कहते हैं उसे, कुछ लेस टाइप की गोटा वगैरह लगाकर, वो भी मैं इसके साथ ही रखती हूँ। उसमें कुछ ज़रूरी पेपर हुआ याद के लिए तो वो डाल लेती हूँ, कोई नोटिफिकेशन या नोटिस वगैरह आता है जैसे, तो उस टाइप की चीज़ें मैं उसमें डाल देती हूँ। और ये जो कैंडल रखा है ये बहुत प्यारा कैंडल हुआ करता था, ये जलने के बाद अब आधा जल चुका है तो इसलिए उतना खूबसूरत नहीं लगता है। तो ये मैंने वो बॉक्स रखा है कोने में जिसमें पेपर रखे हुए हैं। इसके अलावा मैं सामने रखी हुई टेबल को भी अभी के अभी क्लीन कर लूँगी, इसमें भी काफ़ी सामान एक्स्ट्रा आ चुका है, कुछ मेरा और मेरे साथ लक्ष्य का भी सामान इसमें मिक्स हो चुका होता है, तो उनका सामान अलग करूँगी अपना अलग। और ये उसकी बचपन की स्टडी टेबल है जिसे मैं आजकल अपनी एक तरह से ड्रेसिंग टेबल के रूप में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ इस मिरर को,
गोल वाले मिरर को, शीशे को, और इसके साथ मैं एक दूसरा मिरर साइड में रख लेती हूँ टेबल पर। और यहाँ पर ही मेरे बिंदी, लिपस्टिक, पाउडर और मॉइस्चराइज़र वगैरह होते हैं, जिससे मैं यहाँ बैठकर तैयार होती हूँ नहा कर निकल के आने के बाद। तो ये यहाँ पर मेरा होता है तैयारी। और कभी कभी मैं बाथरूम में भी कर लेती हूँ, जैसे बाल सुलझाना या खुले में आंगन में अपना बाहर निकल कर, लेकिन आजकल बारिश में तो मुझे अंदर ही करना पड़ता है, मानसून तो खुला नहीं होता कि आप हर वक्त बाहर चले जाएं। और ये है वो टेबल जिसे मुझे क्लीन करना है। यहाँ पर देखिए कितना सारा ऊट पटांग, सारा काम इकट्ठा हो चुका है जिसे हटाना है। कुछ मेडिसिन, कुछ ये जो ईयरबड्स होते हैं, जो चीज़ें यहाँ नहीं रखी जाती वो भी आ चुकी हैं धीरे धीरे करके। और ये होता ही रहता है, मुझे मतलब 10 दिन में एक बार को यहाँ से सामान शिफ्ट इधर उधर करके ढूंढ कर करना ही पड़ता है। हमेशा कुछ कहीं से उठाया जाता है और कहीं पर रख दिया जाता है। तो बस ये तो होता ही रहता है, और मेरे साथ तो खास तौर से। तो ये सब बॉटल वगैरह मैं एक एक करके पोंछ कर पहले इनको रखती हूँ। अब लगभग आधी तो मेरी सफाई हो ही चुकी है यहाँ पर। और ये बहुत प्यारा डॉगी है, ये भी लक्ष्य लेकर आया था, किसी स्पेशल स्टोन से बना हुआ है, छोटा सा मिनिएचर जैसा है। ये देखिए बहुत क्यूट डॉगी लगता है। इस तरह के छोटे छोटे उसके लाए हुए सामान बहुत प्यारे घर में लगते हैं। ये शंकर जी और ये स्टैचू वगैरह सबको मैं यादों के रूप में इसी टेबल पर रखती हूँ। दोस्तों, बातचीत में ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलिए। इस तरह के व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे डेली लाती रहती हूँ, अपने अनुभव, अपने काम, अपनी क्लीनिंग, DIY सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरे चैनल को मोटिवेशन देंगे, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नए नए व्लॉग्स बना सकूँगी। तो इस तरह से मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। सफाई के साथ साथ मैं अब आ चुकी हूँ इस तरफ, तो यहाँ पर मेरी थोड़ी सी दूसरी साइड मेडिसिन रहती हैं, और थोड़ा सा और सामान है, जैसे कि मेरा ये स्टैंड वगैरह होता है, कैमरा जिस पर लगाती हूँ, वो सब भी मैं साइड में ही यहाँ पर लगा लेती हूँ, जिसे मैं तो उसके अभी मेरा नहाना हो चुका है, नहा कर निकली हूँ तो बाल सुखाने हैं, और आज मैंने बाल धो लिए हैं क्योंकि आज संडे है, कल नहीं धोना है, कल मंडे में। और क्योंकि आज मौसम खुला हुआ था, मौसम खुला होने की वजह से मैंने आज धो लिया, और अगर कल बादल हो गया कुछ मालूम नहीं है, तो फिर बालों में जो पानी रह जाता है उससे मुझे छींके इतनी ज़्यादा आती हैं, छींके छींके उससे मेरा बुरा हाल हो जाता है, छींक छींक कर, इस वजह से मैंने बालों को धो लिया है। तो बस बाकी के काम हो चुके थे और नहाना भी हो चुका है, और नहा लिया है तो साथ के साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पर तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मैं फिर जाऊँगी बाहर काम करने के लिए जो मेरा किचन में रह गया था। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र के बाद हल्का सा पाउडर लगा रही हूँ, बस इतना ही मेरा होता है मेकअप। अगर मैं बाहर जाती हूँ उस वक्त भी, घर में होती हूँ उस वक्त भी, थोड़ा सा मैंने सिंदूर लगाया है, और थोड़ी सी लाइट जो डेली लगाती हूँ लिपस्टिक, बस वो से यूज़ करूँगी, और बाल सूखने तक बालों को लपेट लेती हूँ, और बाकी काम करने निकलती हूँ अभी। और बस यही है आज की मेरी तैयारी। तो बस फ़िलहाल एक बड़ा काम होता है ये आपका, निकल कर तैयार हो जाना भी। तो ये मेरा आज ख़त्म हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अब काले चने को बनाने की तैयारी। इसके लिए बस प्याज लेना है, लहसुन और हरी मिर्च, आप चाहें तो नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। मसाले सभी को अलग अलग पसंद होते हैं, तो जिसका जो स्वाद है उस हिसाब से यूज़ कर सकता है। यहाँ पर मैं सिंपल से मसाले यूज़ करूँगी। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, उसके गर्म होते ही मैंने तेल डाल दिया है, कटा हुआ लहसुन डाल दिया है। बस जैसे ही ये गुलाबी होगा उसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्च डाल दूँगी, और फिर इनको भी डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी पहले अच्छी तरीके से। और जब ये फ्राई हो जाएगा सारा कुछ, तो इसमें पूरा जो चना है हमने बॉईल करके रखा हुआ है वो डाल दूँगी, और साथ ही मैं इस प्याज में डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, और आप जो भी मसाले इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, और नमक थोड़ा सा कम ही डालें क्योंकि हमने पहले भी इसमें डाला हुआ होता है उबाले हुए चने में। तो इस तरीके से बस मैं उबले हुए चने डालूँगी और इसको खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो
लीजिए बनकर तैयार है हमारा हैवी काले चने का नाश्ता, जिसे खाकर आपका पेट अच्छी तरीके से भर जाएगा। तो आप लोग भी खा लीजिए, सभी को मैं सर्व कर चुकी हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं कभी कभी ये। मैं सो गई, अब उठी हूँ और उठकर बस सभी मुँह धोकर चाय बनाई, चाय दी इन लोगों को, सबको चाय पिलाई। और उसके बाद बहुत ज़ोरों की बारिश लगी हुई थी, दिन में तो घटाती, सिर्फ ये सोच रही थी कि कपड़े कब सूख पाएंगे, कपड़े सूख पाएंगे, कपड़े तो ठीक से सूख गए, लेकिन उसके बाद जो बारिश लगी है उसके बाद से 2 से 2.5 घंटा हो चुका है, लगातार बारिश चल रही है, बहुत जल भराव बाहर, इतना पानी हो चुका है, घर में भी मेरे काफ़ी पानी आ जाता है, बहुत परेशानी बढ़ जाती है। और इतना पानी भर रहा है बार बार, मतलब पानी निकालने की दिक्कत बढ़ जाती है इस मौसम में, जितनी दिक्कतें सोचते हैं कि इतनी कम हो जाए, हर बार मतलब बढ़ती चली जाती है, हर बारिश के साथ बढ़ती चली जाती है। तो मैं आगे का बाहर का कुछ दिखा ही नहीं पाई, सोकर उठी, फिर बारिश लग गई, बस किसी तरह चाय बनाकर बैठकर पी है हम लोगों ने। और उसके बाद बारिश दिखाना चाह रही थी, पर बारिश भी मैं इसमें मतलब मोबाइल को बारिश में लेकर नहीं जा सकती थी, और कुछ काम मेरे रह गए, और क्योंकि आँख लग गई, करीब मैं काफ़ी सो ली, 1 से 1.5 घंटे मैं सोती रही हूँ, या बल्कि उससे ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैंने दवा खा रखी थी और दवा में अपने आप अगर काम करना चाहो तो भी उस दवा से नींद आती है, तो मैं सो जाती हूँ, बहुत गहरी नींद लग गई मुझे। ब्लॉग की एंडिंग ही नहीं कर पाई कि कुछ बाहर दिखाती, बारिश दिखाती और अच्छी तरीके से एंडिंग करती। आज का वीडियो बस सोच रही हूँ कि सो सो कर ही निकाल दिया, और इस मौसम में हो रहा है कुछ, जैसे ही मैं दवा लेती हूँ, एक तो मौसम अच्छा हो जाता है, बारिश वाला ठंडा मौसम हो जाता है, जैसे ही गर्मी से फ्री होते हैं, मतलब मुक्ति मिल जाती है गर्मी से, तो उसके बाद नींद आ जाती है, और जब दवा ली होती है तो और भी अच्छी नींद आ जाती है। पहले सोचा था खुले में जाकर आप लोगों से बात करूँ, कुछ बताऊँगी, कुछ दिखाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि बारिश में मोबाइल लेकर बाहर तो नहीं जा नहीं सकती, आंगन में खड़ी नहीं हो सकती, सोचा यहाँ से ही बात करके बस वीडियो को ख़त्म कर लेती हूँ। तो बाल मेरे सूख गए थे, कंघी मेरी हुई नहीं है, यूं ही बैठी हूँ बस, तब से सोकर उठी हूँ, मुँह धोया है और एक चाय पी है, चाय सभी की बनाई थी, चाय पी ली है, शाम की चाय हो गई। खाने का भी कुछ पता नहीं है, खाने का क्योंकि किसी का कुछ मूड नहीं हो रहा, सभी कुछ हल्का कह रहे हैं, तो शायद दलिया बना ले या कुछ और जो माइंड में दिमाग में आ जाएगा उसको, कई क्योंकि मौके पर तो कुछ डिसाइड होता ही नहीं है, एन मौके पर कुछ का कुछ हो जाता है, तो ऐसा ही होता है मेरे घर में। और थोड़े से कपड़े निकल आए थे, 3-4 कपड़े थे, कुछ पर्दे, 1-2 चादर, वो मशीन की आवाज़ आ रही होगी आपको, तो मशीन मैंने लगा रखी है, अभी चल रही है, तो इनको मैं अभी शाम को धो रही हूँ और सुबह मैं इनको फैला दूँगी, तो सुबह अगर धूप हुई तो जल्दी सूख जाएंगे, वरना फिर वही हो रहा है कि 2-2 दिन तक कपड़े सूखते हैं, और कपड़ों को कई बार अंदर भी फैलाना पड़ रहा है कमरों में, तो चेयर क्या, पलंग क्या, जो सामान समझ में आता है, जिस दिन ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, 2-4 कपड़ों में तो इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बाथरूम के अंदर भी मैंने एक रस्सी बांधी हुई है, तो अगर 2-3 कपड़े हैं फिर तो उस रस्सी के ऊपर डाल देते हैं, हो जाता है, या फिर जो बाहर स्टैंड दिखाया आपको लोहे वाला, उस स्टैंड में ही फैले रहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर जहाँ तहाँ मतलब कमरों का ही इस्तेमाल होता है, फिर वो कमरों में ही फैलाए जाते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ दिखाकर तो अंत कर नहीं रही हूँ, लेकिन वीडियो तो समाप्त करना ही है, तो इतना ही वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा मेरा, मेरे ख्याल से। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, किसी अच्छे वीडियो में, और देखती हूँ आप लोगों को अपने बारे में क्या बताती हूँ, किस बारे में बनाती हूँ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ, और कल मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।